कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए हर किसी ने मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो मास्क नहीं पहनेगा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने दी है। कोरोना वायरस इस महामारी से बचने के लिए सरकार की ओर से कई कारगर उपाय किए जा रहे हैं, इनमें से एक है मास्क लगाना। आए दिन कोरोना वायरस की रोकथाम एवं जन जागृति करने के लिए सरकार की ओर से मास्क, सैनिटाइजर और आदि बांटा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क अभी भी पहन नहीं रहे हैं और यूं ही घर के बाहर निकल के घूमने के लिए चले जा रहे हैं। बिना मास्क पहने यदि कोई भी दिखाई दिया तो उस व्यक्ति के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने दिए हैं। आए दिन ये देखने में आया कि हर कोई मास्क पहना हुआ नजर आता, मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मास्क नहीं पहनते। कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता है, यदि मास्क नहीं लगाए तो अपनी सांस के माध्यम से वे औरों को भी इस चपेट में ले सकते हैं। इसलिए एहतियातन बरतने के लिए हम सबने मास्क पहनना जरूरी है, मगर अफसोस कि कुछ लोग मास्क नहीं पहनते, जिसके चलते कोरोना वायरस और तेजी से पनपता हुआ नजर आ रहा है। आज नागपुर शहर की कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुल 19 है और बढ़ने के चांसेस है। इस ओर शहर के नागरिक ध्यान दे, यही बात राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख कर रहे हैं। ज्या शहरामध्ये महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे त्या शहरामध्ये मास्क वापरणं कंपल्सरी करण्यात आलेलं आहे, त्यामुळे या सर्व शहरामध्ये महाराष्ट्रातल्या मास्क वापरल्याशिवाय कोणी घराच्या बाहेर पडू नये। त्यामध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या ज्या शहरामध्ये कोरोनाचा प्रभाव आहे त्या त्या शहरामध्ये याचं पालन करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो। कोरोनाला हरवण्यासाठी आपण सर्वांनी त्यामध्ये सहभाग घ्यायचा आहे। समाज एकत्र आल्यास या कोरोनाला आपण हरवू शकतो, त्यासाठी आपल्या प्रत्येकाने कोरोनाविरुद्धचा योद्धा बनण्याची गरज आहे। आणि योद्धा बनणं म्हणजे कंपल्सरी घरात थांबणं, अत्यंत आवश्यक असेल तरच घराच्या बाहेर पडणं, घराच्या बाहेर पडताना मास्क कंपल्सरी वापरणं, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणं आणि लवकरात लवकर घरी येणं, घरामध्ये एंट्री करण्या अगोदर पूर्णपणे स्वच्छ हात धुणं आणि त्यानंतरच घरात प्रवेश करणं, हे करणं म्हणजेच योद्धा हो। आपण घराच्या बाहेर पडलात, मास्क न वापरता चाललात आणि सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन केलं नाही तर आपण समाजाचे व स्वतःचे शत्रू बनतो, आणि म्हणून शत्रू बनू नका, योद्धा बना, यामध्ये सहभागी व्हा आणि कोरोनामध्ये मात करण्यास मदत करा। म्हणून आपण स्वतःचे वॉरियर आहोत, वॉरियरसारखं वागा, शत्रूसारखं नव्हे, समाजाचा शत्रू न बनता स्वतःचा आणि समाजाचा योद्धा बना आणि कोरोनावरती मात करण्यास मदत करा, सहभाग घ्या। माझी विनंती आहे आपण योद्धा बनावं, शत्रू नव्हे। कोरोना वायरस के संक्रमणता को रोकथाम करने के लिए लोगों ने मास्क लगाना चाहिए, ऐसे बार बार हिदायत सरकार की ओर से दी जा रही है, मगर अफसोस कि कुछ प्रतिशत ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते। जब ये बात राज्य के गृह मंत्री के ध्यान में आई तो उन्होंने अब मास्क जो नहीं पहनेगा उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई करने के आदेश गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने दी है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।